गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल का आज राजीव राय भटनागर ने दौरा किया। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी ऑफिशियल के दौरा हो तो वहां पर सभी सुविधाओं को सुचारू ढंग से रखा जाता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला इमरजेंसी के बाहर, जहां पर कि स्ट्रेचर्स पड़े होते हैं। जब एडवाइजर की विजिट थी तो ये स्ट्रेचर्स बहुत ही सलीके से यहाँ पर खड़े थे, इन पर सफ़ेद चादरें भी बिछी हुई थी, लेकिन जैसे ही एडवाइजर का दौरा ख़त्म हुआ वैसे ही यहाँ से चादरें और वो ट्रॉलीज जो कि बिल्कुल सही थी वो स्ट्रेचर्स वहाँ से गायब हो गए। वहीं जो लोग जीएमसी आए हुए थे उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है। अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी लेने के लिए भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यह मांग की कि सरकार ऐसे ड्रामेबाजी के बजाय ग्राउंड लेवल पर काम करे ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। सब सब कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। अजय साहब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो असर लोग अपने लगाए हैं, जैसे डीसी लगाया है या कोई लगाया है, कम से कम वो देखे अस्पताल की हालत क्या है। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग, ना उनकी डेड बॉडी मिल रही है ना कुछ। हम सुबह के यहाँ पर खड़े हैं, डॉक्टर साहब को फोन करे, वो बोल रहे हैं मुझे 3 बजे फोन करो, मैं आपको बताऊंगा डेड बॉडी क्या कर रहे हैं। 5 बजे के बाद सर्च करो। हमने बोला जो जो आपका है रूल रेगुलेशन है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन हमें बोलो कम से कम डेड बॉडी मिलेगी, क्या हो जाएगा। कोई कुछ नहीं बता रहे, बिल्कुल फेल है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ जनता से कि जो भी कोई पेशेंट है घर में बैठे, घर में मरे, लेकिन यहाँ पर उसकी शक्ति ना हो, बस ये मेरी विनती। ये अमीर लोगों के लिए है, नारायण बना हुआ है, आराम से हमारे नेता लोग वहाँ गाना गाते हैं, ऐड देते हैं फर्स्ट क्लास। हम जिस लीडर हैं उनके गरीब का कोई सुनता ही नहीं है। गरीब को घर में रहना चाहिए, गरीब को हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए हॉस्पिटल को। हमने एडमिशन से बात की है, एडवाइजर साहब से भी बात की है, वो भी आके हमारी बात सुन के चले गए। हमारी भी डेड बॉडी अंदर है, आप पता नहीं आज देंगे कल देंगे परसों देंगे, कोई पता नहीं। डेड बॉडी का भी पता नहीं है। 3 पेशेंट एट ए टाइम वार्ड में मर गए हैं और 3 पेशेंट उधर ही डेड बॉडी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं। यार डेड बॉडी इधर है, बाकी पेशेंट को तो बचाएं, इन्फेक्टेड पेशेंट है, बाकी पेशेंट को तो बचाएं, कोई नहीं बचा। हमने खुद बचने में लिया है बॉडी को। एडवाइजर से बात हुई? हाँ बात हुई एडवाइजर साहब से, उन्हें आश्वासन तो देते रहते हैं, गवर्नमेंट का काम है आश्वासन देते रहना, बस उनका काम इतना है और क्या है। बाकी हमें गाड़ी तक भी नहीं मिली है और हम तड़प रहे हैं, कम से कम हमें बॉडी दे दो। जो कुछ कर रहे हैं आपके रूल्स रेगुलेशन है वो हम फॉलो करेंगे फर्स्ट क्लास, आप दे दो हमें बॉडी दे दो। बैठे हैं कोई पूछने वाला नहीं है, वो आप बाहर बैठे हैं वो मजे कर रहे हैं अपना। ये को बंद करना चाहिए, जला देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। ये गरीबों के लिए धोखा है, गरीबों के लिए धोखा है। यहाँ गरीब को आना नहीं चाहिए, गरीब को अगर बीमार हो जाता है तो उसको घर में बैठना चाहिए। उसको घर में मरे गरीब आराम से मर जाएगा और क्रियाक्रम फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो बाड़ी ना देंगे ना कुछ देंगे ना क्रियाक्रम करना पड़ा ही है। 20 लाशें इधर पड़ी हुई है उस हाल में, किसको पूछे हम भाई हमारी लाश कहाँ है। मैंने उनको बोला खुद भाई इसके ऊपर लाश के ऊपर तो नाम लिखो, फिर मैंने पेन से लिखा अपने पेशेंट का नाम। ये वहाँ स्केच पेन नहीं है कि हमारे पेशेंट के ऊपर नाम लिखे। हाँ मरा कोई, मैं किसी के लाश लेके जाऊंगा, कौन पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। फेल है, टोटल एडमिशन फेल है, जनता कानून भर गया है। ये बहुत ही अन्याय हो रहा है गरीब के साथ।